सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज सचिन भट्ट एंड मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वन प्लस स्मार्ट वॉच के बारे में। सही सुना आपने, वन प्लस स्मार्ट वॉच के बारे में। आप लोगों ने वन प्लस के स्मार्टफोन्स तो बहुत सुने होंगे, आप लोगों ने वन प्लस के टीवी सुने होंगे, आप लोगों ने वन प्लस के सेटअप बॉक्स सुना होगा, वन प्लस के अदर हेडफोन्स ईयरफोन्स वगैरह हर चीज़ सुनी होगी, लेकिन वन प्लस का स्मार्ट वॉच नहीं सुना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि वन प्लस स्मार्ट वॉच बना रहा है और ये कन्फर्म हो चुका है लगभग कि वन प्लस स्मार्ट वॉच बना रहा है। हालांकि ये जो न्यूज़ है ये 2016 से चल रही है। अगर आप लोग मेरे साइट को फॉलो करते हो तो मैंने 2016 में इसके बारे में पोस्ट डाला था कि भाई 2016 में इसकी कोई ड्राइंग लीक हुई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि इसके डिटेल्स पता लगे थे स्मार्ट वॉच के बारे में, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो है इसका प्लान कैंसिल हो गया और 2016 के बाद से फिर हमें 2019 में कुछ र्यूमर्स कुछ टेक यू नो लीकर से पता लगी कि भाई स्मार्ट वॉच बन रहा है। बाद धीरे 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 जो है अब 2020 में यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशंस आ रही हैं। यहाँ पे एक बहुत ही रिलेबल साइट है टेक रडार, उसके सोर्सेस ने ये बताया है कि एक वन प्लस का एक्स एम्प्लॉय जो कि काम कर चुका है उसने ये बताया कि वन प्लस जो है वो स्मार्ट वॉच बना रहा है और वो स्मार्ट वॉच पर वर्क कर रहा है। हालांकि डिज़ाइन के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया कि डिज़ाइन किस प्रकार से होगा, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि जो वन प्लस का स्मार्ट वॉच होगा वो काफी रिलायबल होगा, काफी यू नो सॉलिड बिल्ट वाला होगा और काफी ज्यादा फुल ऑफ फीचर होगा, क्योंकि वन प्लस जाना जाता है कम बजट में ज्यादा फीचर्स देने के लिए, लोग जो कि आजकल वो दे नहीं रहे क्योंकि अपने फोनों को तो धीरे धीरे करके वो लेके चले गए हाई एंड में, और अब पता नहीं स्मार्ट वॉच उनका कैसा होगा, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी अच्छा हो। लेकिन यहाँ पे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि 2016 से ये चीजें जो है वो र्यूमर्स निकल रही हैं, बड़े बड़े लोग जो है इस चीज को कन्फर्म करते हैं कि हाँ भाई स्मार्ट वॉच बन रहा है बन रहा है बन रहा है, फिर उसके बाद पता नहीं इसकी न्यूज़ कहाँ चली जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से ये जो आगे इसका लीक है इसका फॉलोअप करता है। लेकिन यहाँ पे एक रीज़न भी है कि वन प्लस स्मार्ट वॉच बनाएगा इसलिए क्योंकि छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारी कंपनी ने अपने स्मार्ट वॉच लॉन्च कर रखे हैं मार्केट में, चाहे वो सैमसंग ले लो, चाहे वो एप्पल ले लो, चाहे वो साउमी ले लो, चाहे वो ओप्पो ले लो, चाहे वो वीवो ले लो, चाहे वो हुआवे ले लो, हर किसी ने अपने स्मार्ट वॉच उतार रखे हैं। इसका मतलब यह है कि स्मार्ट वॉच बिक रहे हैं, ठीक है, और कंपनी क्या चाहेगी कि जो चीज़ बिक रहा है वो उसका भी चीज़ बिके, जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे वो सप्लाई करे, और वहाँ पे कोई अच्छा अगर स्मार्ट वॉच नहीं है तो वन प्लस यहाँ पे अच्छा फीचर वाला कम बजट में अगर स्मार्ट वॉच लेके आएगी तो यहाँ पे उसके बल्ले बल्ले हो जाने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं इस मार्केट से। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने अभी तक इसको लॉन्च क्यों नहीं किया, मतलब 2016 से हर चीज़ लॉन्च कर दी भाई। स्मार्ट वॉच लॉन्च करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, स्मार्ट वॉच तो भाई बहुत बेकार है। एप्पल अपने स्मार्ट वॉचेस बेच के इतने पैसे कमाता है, सैमसंग अपने स्मार्ट वॉचेस बेच के इतने पैसे कमा रहा है, यहाँ पे तरह तरह की सारी कंपनी है, लेकिन पता नहीं यार वन प्लस को इसमें प्रॉफिट नहीं दिखा है, या मुझे समझ नहीं आई कि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई, या फिर वो अपना इसमें ज़्यादा इनका कॉस्ट आ रहा है, समझ में नहीं आया। लेकिन यार लॉन्च तो इनको पहले करना चाहिए था। हालांकि आप लोग अपने व्यूज़ बताना कि आप क्या सोचते हो वन प्लस स्मार्ट वॉच कब आएगा, कितनी जल्दी आएगा, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे मैंने पूरा पोस्ट तैयार किया है, आप लोग उसके बारे में जाके पढ़ सकते हो। कोई क्वेश्चन हो वन प्लस के बारे में, कोई भी सवाल हो इस स्मार्ट वॉच के बारे में, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही मैं टेक से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँ। धन्यवाद।